मनाई गई सावित्रीबाई फुले जयंती। गोरखपुर स्थित दीवान बाजार नई कॉलोनी पार्क के पास सैनी समाज के पदाधिकारियों ने सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता उपस्थित रहे। सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। नारी शक्ति आंदोलन और महिला शिक्षा की क्रांतिकारी प्रणेता और महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले नारी शक्ति आंदोलन और महिला शिक्षा की क्रांतिकारी प्रणेता व महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले नारी शिक्षा एवं समानता हेतु आजीवन संघर्षरत रहीं। सावित्रीबाई फुले का शोषितों, वंचितों और नारियों के उत्थान के प्रयास में बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनी समाज महानगर अध्यक्ष कृष्ण गोपाल सैनी दिलीप और संचालन सैनी समाज के वरिष्ठ नेता राम बाबू सैनी ने किया। सैनी समाज के संरक्षक जितेंद्र सैनी ने कहा कि शिक्षा ही विकास की जननी है। सावित्रीबाई फुले के सपनों को मोदी और योगी सरकार पूरा कर रही है। देखते रहिए अमेज नाउ। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, BPharma, MPharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। नाउ आल्सो ऑफरिंग BBA, BCA एंड BCom कोर्सेज। KIPM गीडा गोरखपुर। आज सावित्रीबाई फुले इनके पति ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई का जन्मदिन। आज इनका जन्मदिन इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि वो ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को अनपढ़ थी, शिक्षित किए और शिक्षित हुए महिलाओं के प्रति इनकी बड़ी वो थी कि महिलाओं का बड़ा तिरस्कार होता है और जिस देश की महिलाएं शिक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, वो देश विकास करेगा। तो इस सावित्रीबाई फुले देश में पहला कन्या विद्यालय खोलने का श्रेय सावित्रीबाई फुले को है और उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करके आगे बढ़ाया ताकि देश का विकास हो। इनके दिवस पे संकल्प दिवस है कि सभी महिलाओं को हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो विकास की जननी होती है। शिक्षा जो आदमी पा गया वो उसको नौकरी भी जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं सबको ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान बांटने से सब लोग शिक्षित होते हैं। किसी भी देश के लिए शिक्षा